दोस्तों, टेकटॉक के एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं टेलीग्राम के 5 न्यू अपडेट्स के बारे में। अब नॉर्मली टेलीग्राम आपको पता है आज के टाइम में कितना वायरल हो रखा है। ज्यादातर लोग इसका मूवीज डाउनलोडिंग के लिए या फिर वीडियो शेयरिंग के लिए यूज करते हैं, साथ ही कुछ लोग इसका यूज मैसेज वगैरह के लिए भी करते हैं। अब ऐसे में इसमें 5 न्यू अपडेट आते हैं जो कि इसे यूज करते समय आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब जो है सबसे पहला ऑप्शन आपको मिला है एज अपडेट, वो मिला है आपको वीडियो एडिटिंग और कलर करेक्शन का। मतलब नॉर्मली अगर आप किसी को वीडियो सेंड कर रहे हैं और आपको वीडियो सेंड करते टाइम कोई एडिटिंग चाहिए, नॉर्मल एडिटिंग, ट्रिमिंग हो गई, या फिर मैं बोलूँ कलर एडजस्ट करना, जैसे कि आपको पता है RGB फॉर्मेट होता है, तो अगर आप उतनी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको फिल्मोरा में जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से उसे एडिट करके सेंड कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन इसमें मिला है। इसके बाद जो अगला यहाँ पे आपको अपडेट ऑप्शन मिलता है वो है प्रॉक्सी सर्वर। अब ये प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? बेसिकली अलग अलग सर्वर होते हैं जो कि बिल्कुल VPN की तरह काम करते हैं। अब मे भी आपको VPN के बारे में पता होगा, VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें क्या है कि आप जो भी डेटा भेज रहे हो वो एक हिसाब से सिक्योर होता है, ताकि आपका डेटा थर्ड पार्टी या कोई भी इस तरीके से रॉन्ग रिएक्शन ना करे। सो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। थर्ड ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिलता है वो है सेट रिमाइंडर। आपने कैलेंडर में अक्सर देखा होगा कि रिमाइंडर का ऑप्शन आपको मिलता है ना, कि मान लीजिए कि कोई भी काम हो गया जो आपको इन फ्यूचर एज अ रिमाइंड करवाना है कि मैं उसे भूल ना जाऊं, या कोई टास्क आपको बाद में करना है, कोई मूवी अपलोड करनी है, किसको मैसेज करना है, कोई भी दूसरा काम हो सकता है, तो अगर आप उसके लिए रिमाइंडर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आपको मिलता है सेट रिमाइंडर का। अगला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है स्लो मोड का। अभी स्लो मोड क्या है? देखो नॉर्मली टेलीग्राम में ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पे बनते हैं ग्रुप। ग्रुप में जहां पे अगर आप मूवी शेयर वगैरह करते हो तो आपके पास एक ह्यूज राउंड ऑफ जो नॉर्मली पार्टिसिपेंट है वो आपको मिल जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़े लोगों का ग्रुप बन गया है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोगों का। तो उसमें क्या है कि लोग फटाफट मैसेज करते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा मैसेज हो रहा है, कोई 10-10 मैसेज कर रहा है, 15-15 मैसेज कर रहा है। तो अगर आप स्लो मोड एक्टिवेट कर देते हो तो आपके अकॉर्डिंग अगर उसको एक ही मैसेज भेजना है तो एक ही मैसेज भेज पाएगा, एक टाइम पर एक ही मैसेज भेज पाएगा, जिस तरीके से आपको वहां पे जो डेटा है वो मैनेज करने में आसानी हो सकती है, या फिर हम ये बोले कि आपका ग्रुप स्मूथली वर्क करेगा। अगला जो अपडेट आपको मिलता है यहाँ पे वो है पोल्स का। नॉर्मली आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखा होगा, टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देखी होगी, जहां पे क्या होता है कि वो कोई भी एक सवाल पूछते हैं और उसमें यस या नो या फिर पोल हो गया कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस तरीके से एक पोल क्वेश्चन आंसर टाइप फॉर्मेट होता है। तो वही यहाँ पे टेलीग्राम में भी दिया हुआ है कि अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं और उसके रेफरेंस में आपको कोई आंसर चाहिए यस या नो में, तो आप उसके लिए पोल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम में 5 न्यू अपडेट हैं जो मे बी आपके काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।